सदर मजलिस और अपने पार्लियामेंट बैरिस्टर सोनावसी ने कहा कि मजलिस ने महाराष्ट्र की बरसर सदर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के साथ इत्तेहाद के बारे में कोई फैसला नहीं किया है और सिलसिले में किसी फरीक की जानिब से कोई पेशरफ भी नहीं हुई है। नांदेड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए सदर मजलिस ने खलीजी ममालिक में हिंदुस्तानी अशिया के बैकाट पर तबसरा करते हुए कहा कि अरब ममालिक को सिर्फ उसी वक्त मुतमईन किया जा सकता है जब हिंदुस्तानी हुकूमत शान रिसालत में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि खलीजी ममालिक अपना अगला इकदाम हिंदुस्तानी तारीख वतन को मुल्क वापस भेजने के जरिए उठा सकते हैं। जमहूरियत है, आवाम को इख्तियार है कि किस वोट दें या ना दें, उनका फैसला है, हम उस फैसले को कबूल करते आए। जहाँ तक यूपी का मामला है, अब आप बताइए यूपी का मुसलमान आप जाकर पूछे ठगा महसूस कर रहे हैं अपने आप को? इतने बड़े बड़े फसादात, इतने बड़े वाकयात हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने गोली भर भरकर खैरात के तौर पर वोट किया, एक लफ्ज नहीं बोलते ज्ञानवापी के ऊपर, मथुरा के ऊपर। खुद उनके एक पार्टी का विधायक है जिस मुसलमान है, पेट्रोल पंप का उनका तोड़ दिया गया, उस पर जवान नहीं खोलते। कानपुर में गड़बड़ हो गई, आप उस पर कोई तबसरा नहीं करते। आपके बदायूं में एक जगह है, एक मुकाम पर एक मुस्लिम लड़के को पुलिस वाले मार कर उसके रेक्टम में लकड़ी डाल देते हैं, आप कुछ नहीं बोलते। तो ये अब उत्तर प्रदेश के मुसलमान अपने ठगा महसूस कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है गुजरात का, हमारे वहाँ पर अहमदाबाद में, मुडासा में, भरूच में, गोधरा में हमारे कॉरपोरेटर्स हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जब असेंबली के इलेक्शन होंगे विधानसभा के, हम बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। देखना आने वाले दिनों में लोकल बॉडी इलेक्शन है महाराष्ट्र में, आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? यानी हम लड़ेंगे, उसकी तैयारी है, इसलिए दातों जा रहे हैं। फिर हम महाराष्ट्र के मैं टूर होगा, हमारी पार्टी एक्टिव हो चुकी है, तो इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं और हमारी पार्टी के पूरे मेम्बर्स एक्टिवली काम कर रहे हैं। किसी के साथ आप जो पार्टी है तो उनके साथ आगाड़ी वगैरह करेंगे आने वाले इसमें? अभी देखेंगे, अभी तो पता भी तो जल्दी होगा, टाइम आएगा बताएंगे। सर वंचित आगाड़ी जो पक्का शामिल है, जो आपसे पहले जिससे होगा नहीं होगा इसका ये जवाब आपको हमारे इंटरव्यू साहब और खादी साहब बताएंगे। साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी ने रियासत में खवातीन पर मजालिम और असमत रेजी के वाकयात पर रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जिनसी हिरासानी के केसेस में इजाफे के बाद खवातीन अब खुद को गैर महफूज समझ रही हैं। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि असमत रेजी के वाकयात में सजाओं की शराह भी सबसे कम है। उन्होंने मुखरिब अखलाक हरकतों करने वाली वीडियो जारी करने पर बीजेपी के रुकन असम्बली रघुनंदन राव पर भी तनकीद की और कहा कि उन्होंने तहकीकात के सारे मामले को उलट दिया है। देखिए आज के दिन ये माहौल जो तेलंगाना में बन चुकी है, ये बहुत भयंकर परिस्थिति। हमें कोई उम्मीद नहीं है कि जवान लड़कियां बाहर जाके रात तक घर पहुंचेंगे सलामत, ये तो है ही नहीं। आज भी 3 बालिकाओं पर बलात्कार हो चुका है, आज भी, आज के अखबारों पे रोज एक लड़की का जिंदगी एक आंकड़ा बनते जाती है, मगर सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ती है। या इलाके का मुख्यमंत्री अपने फार्म पे लेटे हुए आराम से, गलती से भी जबान से एक लफ्ज नहीं निकला है जो लड़कियों के सहूलत के लिए और उनके सुरक्षा के लिए वो क्या कदम उठा रहे हैं। अगर आप देखें कि वो परसों का बंजारा है, इस केस में भी एक गाड़ी इनको मिला ही नहीं 4 दिन, तो आप बताइए हम कौन से उम्मीद पे रहें कि इस गाड़ी के अंदर जो फोरेंसिक एविडेंस मिल सकता था कि आज वो मिलेगी हमें? जो पुलिस ऑफिसर हैं इनको हमें सिखाना पड़ता है कि गाड़ी की रजिस्ट्री कैसा निकालना है। मर्सिडीज बेंज किसके नाम पे मैं बता सकती हूँ, मगर बेचारा पुलिस बेसहारा है, वो तो बता ही नहीं सकते हैं। तो कैसे होगा? यहाँ आज के दिन करोड़ों रुपया खर्च के मुख्यमंत्री जी वहाँ ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि यहाँ इतना डेवलपमेंट और इतना ये आगे बढ़ रही है, ये स्टेट बढ़ रही है, क्राइम रेट बढ़ रही है, महिलाओं के अत्याचारों पे बढ़ रही है, बालिकाओं पे तो बलात्कार हो रहा है, ना इंसाफी के आंकड़े बढ़ रही है।
मगर मुख्यमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेटा जी दावोस में बैठ के ट्विटर करते हैं, ट्वीट करते हैं, यहाँ तो कोई एक्शन ही नहीं है, कोई रिएक्शन ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई मंत्री का पोता पोती कोई इन्वॉल्व है तो उनको उस पद से हटाइए जब तक इंक्वायरी होगी, यही तो कानूनी दौर है। मगर नहीं, दबा के सबको डरा के हम जैसे लोग सवाल पूछने गए तो हमें गिरफ्तार करने का कोशिश, और ये सब ड्रामे यहाँ चलते रहते हैं। मगर कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रहेगी। यहाँ के वकीलों भी लड़की बालिका वकील होते हुए पॉक्सो केस जानते हुए वो लड़की की आइडेंटिटी दिखा देते हैं, ये कौन सी तरीका बन गया कि आप चोरों को गिरफ्तार नहीं कर सकते और हमारे ऊपर आप दबाव लाते हैं। तो हम ये हमारी ये डिमांड है, यहाँ TRS पार्टी बिल सर्फाबाद बिंड कंपाउंड में कदीम करेंसी नोटों और सिक्कों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। दिलचस्प बात यह है कि इनमें 100 साल कदीम चलन में आने वाले अशरफियों के सिक्के भी रखे गए। आसिफ जारी दौर के करेंसी नोट और सिक्के अब नायाब हो चुके हैं, बहुत कम लोगों के पास ही शायद ये नोट महफूज हों। वाज़ह है कि हिंदुस्तानी करेंसी नासिक में वाक़ गवर्नमेंट प्रेस में शाये होती है। शहर के उलमा मुस्लिम तंजीमों की जानिब से गुज़श्ता 2 दिन से BJP कांग्रेस असम्बली राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे के बाद इस मुहिम में अब शिद्दत पैदा हो गई है। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन ने भी TT पुलिस से गोशा महल के रुकन असम्बली की गिरफ्तारी का मुतालबा कर डाला। उन्होंने कहा कि पुलिस दूसरे मामलों में तो बड़ी फुर्ती दिखाती है और मुजरिमीन को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन राजा सिंह का मामला मुकदमा दर्ज करने से आगे नहीं बढ़ रहा है। मौलाना खैरुद्दीन ने कहा कि गुजरात के बशमूल दूसरी रियासतों में आने वाले इंतखाबात से कबल पूरे मुल्क में मनाफरत का एक बाजार गर्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजा सिंह जैसे लोगों को खुली छूट दे दी गई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद नाज़रीन इकराम, हमारे शहर हैदराबाद का एक खारिज ज़दा पागल कुत्ता जो एक अरसे से सिर्फ मुसलमानों पर भोंकता था और मुसलमान ये समझकर खामोशी अख्तियार किए हुए थे कि ये हमारी जात पर भोंक रहा है, और ये भोंकते भोंकते आधा तो उस वक्त भी पागल हो चुका था। और ये मिस्र मशहूर है, जो खारिज ज़दा कुत्ता पागल हो जाता है तो उसके करीब कोई नहीं आता, क्योंकि उसकी बीमारी सबको लगती है। तो यही सोचकर हमने खामोशी अख्तियार की थी, लेकिन अब ये खारिज ज़दा पागल कुत्ता हिंदल वली अताए रसूल हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में अपनी नापाक जबान को इस्तेमाल किया है, तो अब हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते और इसको इसके किए की सजा मिलना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि रियासत तेलंगाना इसकी इस गुस्ताखाना ज़हनियत और इसकी मुसलमानों से तासुबियत और तेलंगाना की पुर अमन फजा को ये बिगाड़ने की जो कोशिश कर रहा है इसको फौरी से फौरी सजा देंगे। हम पहले ये हुकूमत तेलंगाना से ये उम्मीद रखते हैं, और अगर हमको इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारी हुकूमत इस BJP के इस पागल कुत्ते के सामने बेबस हो गई है, तो फिर उसके आगे जो हालात होंगे वो हुकूमत तेलंगाना और हमारे चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार होंगे। और हमारे वजीर दाखिला महमूद अली साहब जो हमेशा ये कहते नहीं थकते कि हमारे CM सेकुलर है, नंबर वन है, और हमारी तेलंगाना की पुलिस नंबर वन है, तो क्या आपके तेलंगाना की पुलिस सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती करने के लिए है? और जब मुसलमान ऐसे गुस्ताखों के ताल्लुक से अपना रद्द अमल जाहिर करता है तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, और ऐसे खारिजदा पागल कुत्ते को खुलेआम छोड़ दिया जाता है, तो क्या ये हमारे वजीर दाखिला नहीं जानते कि ऐसे कुत्तों को छोड़ना हजारों इंसानों की जानों का नुकसान का सबब बन सकता है? ACP फलकनुमा की खसूसी टीम ने छतरी नाके के इलाके में वाक़ ललित बाग के घर पर धावा किया, जहाँ एक खातून इन शोभा को गैर कानूनी तौर पर शराब फरोख्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस छतरी नाका आगे की तहकीकात में मसरूफ है। जुबली हिल्स में कम उम्र लड़की की असमत रेदी के सनसनीखेज वाक़े के बाद नेकलेस रोड पर एक कार में कम उम्र लड़की की असमत रेदी का वाक़ा मंजर आम पर आया है। पुलिस इस सिलसिले में 23 साल सुरेश को गिरफ्तार कर लिया है। रामगोपाल पेट पुलिस ने बताया कि एक यतीम खाने में रहने वाली लड़की
के मुताबिक 20 अप्रैल को वह निकलेस रोड पर बर्थडे पार्टी मनाने के लिए गई थी, जहां सुरेश ने उसकी असमत रद्दी की। सुरेश से उसकी काफी पहले से जान पहचान भी थी। कांग्रेस के सबक सदर राहुल गांधी ने पंजाब के जिले मानसा में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के अरकाने खानदान से मुलाकात की और मकबूलेआम सिंगर की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने रियासत में अमन अमान की बरकरारी में भगवंत सिंह मान की ज़र क़यादत आम आदमी पार्टी हुकूमत की नाकामी पर तनकीद की और कहा कि रियासत में अब उस हुकूमत का कोई कंट्रोल बाकी नहीं रहा। राहुल गांधी ने मूसेवाला में 50 मिनट गुजारे। उन्होंने खातियों को सख्त से सख्त सजा देने का भी मुतालबा किया। वाज़ेह है कि 29 मई को हुए इस कत्ल के वाक़े के दिन राहुल गांधी बैरूनी ममालिक के दौरे पर थे। हिंदुस्तान में गुज़रे 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 3,714 नए केसेस दर्ज हुए, जबकि इसी मुदत में 7 नई अमवात हुई है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि कल एक दिन में मुल्क भर में कोविड-19 के 3,07,716 टेस्ट किए गए। बीजेपी के कायदीन की तरफ से शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ अरब ममालिक की बरहमी के चलते अकवाम मुत्तहदा ने भी अब तमाम मजाहब के एहतराम और रवादारी की जरूरत पर जोर दिया। अकवाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान ने कहा कि उन्होंने अखबार में बरहमी से मुतालिक खबरें पढ़ी हैं लेकिन रिमार्क्स नहीं देखे। फिर भी वो कहते हैं कि तमाम मजाहब का एहतराम होना चाहिए और सारी दुनिया को उस पर अमल करना चाहिए। वजीर ट्रांसपोर्ट पुवाड़ा अजय कुमार ने पटना प्रगति प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर खम्मम कारपोरेशन के तहत मुख्तलिफ डिवीजन्स में बेशतर कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने 58वें डिवीज़न की विवेकानंद कॉलोनी में सीवरेज के काम का आगाज़ किया। इस मौके पर डिवीज़न में पौधे लगाए गए। 55वें डिवीज़न में तेलंगाना तल्ली के मुजस्मे के करीब मेन केनाल के काम शुरू किए गए। बाद उन्होंने डिवीज़न के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। बिलखसूस वज़ीर मौसूफ़ ने पीने के पानी और बरक़ी के मसाइल के बारे में मालूमात हासिल की और आवाम को यकीन दहानी करवाई कि इन कामों की जल्द तकमील की जाएगी। कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने बीजेपी की कौमी तर्जुमान नुपुर शर्मा के रिमार्क्स की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इन रिमार्क्स से मुसलमानों की दिलशिकनी हुई है, जिसके नतीजे में अरब ममालिक में हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स का बाइकॉट किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसे बयान से अरब ममालिक में काम करने वाले हिंदुस्तानियों को भगा दिया जाएगा तो हुकूमत क्या करेगी। उन्होंने कहा कि एक तरफ आरएसएस के कायदीन कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक है तो दूसरी तरफ बीजेपी के कायदीन मनमानी बातें करते हैं। उन्होंने मस्जिदों से मुतालिक बंडी संजय के रिमार्क्स पर भी शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि ये मुल्क हिंदू मुल्क नहीं बन सकता, चाहे कितने ही लोगों को क्यों ना भटकाया जाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ 2 करोड़ मुलाजिमतें फराहम करने और 15 लाख रुपए जमा करवाने के वादे पूरे नहीं किए गए हैं तो दूसरी तरफ लोगों को भटकाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि लोगों को भटकाने का काम मोदी और शाह कर रहे हैं। सुपुर शर्मा जो बीजेपी का प्रवक्ता है, मीडिया को एड्रेस करने का सीढ़ी है, मोहम्मद प्रवक्ता के ऊपर जो कमेंट करे उसके वजह से पूरा देश में मुस्लिम कंट्री में सब हंगामा हो रहा है। उनके मोहम्मद प्रवक्ता को जो बयानबाजी से हर एक मुसलमान का दिल झुका। आज सभी लोग बाइक गए और ये भी हो गया है, वहां पर जो भी अपना सामान जाता, अपना प्रोड्यूसर करते, चावल जाता, सभी चीज जाते, वो भी उन्हें बंद करने का काम करे। ये क्या काम है भाई, तुम लोगों का काम क्या है? लोगों को भटकाने का काम है। ये बोला काम पर चल रहा है। एक तरफ बोलते आरएसएस का लीडर बोलता नहीं हम हिंदू मुझे सब ये देश एक रहना, और बीजेपी वाले मनमानी बात करते। एक बोलता के मस्जिद तोड़ देंगे मंडी संजय, दूसरा बोलता दरगाह को नहीं जाना। तुम लोग को नहीं रहे बोलने वाले, क्या तुम कानून लिख के लाए क्या? ये देश सेक्युलर देश है, हिंदू देश नहीं हो सकता। तुम कितना भी मेहनत करो, कितना भी लोगों को भटकाओ, जो वादे करे साल को 2 करोड़ दिए क्या? आज हमारे तेलंगाना के वो आंध्र के वो भारत देश में जितने भी काम करने वाले वहां काम कर ले रहे, दुबई इराक में मेहनत कर ले, अब उन लोगों को सबको भगा देंगे आपने? क्या होगा ये? तू तो खाना नहीं देता, 2 करोड़ जॉब नहीं दिया, 15 लाख जमा कर तुम वो नहीं करा,
अब लोगों को भटकाने का। इसके पीछे नरेंद्र मोदी अमित शाह है, बोल के मैं बोल रहा हूँ। अब तो भी सुधरो, अब तुम इस देश को तोड़ने का काम करेंगे तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी देश को जोड़ने के वास्ते अपनी जान की कुर्बानी दी, फिर एक आजादी का मूवमेंट के वास्ते कर रहे। हिंदू देश कभी नहीं बनेगा। उस जमाने में जो महात्मा गांधी इस देश को आजादी लाए उसी को तुम खत्म करे। तुम ये हिंदुओं की देश बनाना कभी नामुमकिन है, नहीं हो सकता। हर आदमी, हिंदुस्तान का हर नौजवान और हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चन हो, बराबर देश एकता के वास्ते लड़ेंगे। सबसे ज्यादा हमारे राहुल गांधी जो 2 अक्टूबर से काम कर रहे उसके साथ हम देंगे। अब तो भी ये बयान एक बोलता नहीं, नहीं कोई इंडिविजुअल बयान दिए तो हम कैसा देता, बोलता इंडिविजुअल कैसा देता। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी है। ताज़ा इतलात के मुताबिक अब तक जुमला 5 फ्लाइट्स के ज़रिए 1425 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं, जहाँ 8 दिन गुजारने के बाद आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना होंगे। गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा आमद और रफ्त के लिए बेहतरीन बसों का इंतज़ाम किया गया है, ताकि सफ़र में किसी तरह की दुश्वारी ना हो। जिदा एयरपोर्ट पर हिंदुस्तानी आज़मीन की आमद का सिलसिला 17 जून से शुरू होगा। जारी साल हिंदुस्तान से आने वाले आज़मीन की मजमूई तदाद 79,237 होगी, जिसमें हज कमेटी से आने वाले आज़मीन की तदाद 56,637 और खानगी ट्रेवल्स के ज़रिए आने वालों की तदाद 22,600 होगी।